गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास टेंथ का जो गणित है उसका एक अहम टॉपिक अर्थात चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। यह ट्रिगोनोमेट्री जो है आपके एग्ज़ाम में एक अहम भूमिका निभाती है। यह लगभग 15 से 18 नंबर तक का पूछा जाता है हर साल, अतः इसे अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो यह पूरा फुल मार्क्स मतलब 18 में 18 नंबर लाने के लिए आप तैयार हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति, फर्स्ट ऑफ ऑल त्रिकोणमिति क्या है? गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं के मापों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात त्रिकोणमिति क्या है? गणित की एक शाखा है। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के दो रूट शब्द ट्रिगोन और मेट्रॉन से बना हुआ है। ट्रिगोनन के मतलब होता है त्रिभुज और मेट्रॉन का मतलब होता है माप, अर्थात त्रिभुज का माप। ट्रिगोनोमेट्री शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या निकल गया? त्रिभुज मापक का विज्ञान, अर्थात त्रिभुज के मापन का विज्ञान। त्रिभुज के जितने भी मापते हैं, मेजर करते हैं, उसका विज्ञान हो गया ये। अब इसमें हम लोग कैसे अध्ययन करेंगे? तो पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहला जो पॉइंट है वह है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। किसी भी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? तो किसी भी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण के सापेक्ष, एक न्यून कोण ले लेते हैं तो उसके सापेक्ष जो भुजाओं का अनुपात है वही कहलाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, और जब किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होगा तो शेष दो कोण न्यून कोण ही होगा। तो शेष दो न्यून कोण में से किसी एक कोण को अगर हम लेते हैं, उसका कोई नाम देते हैं, जैसे ग्रीक का कोई लेटर अल्फा बीटा थीटा गामा, अब कोई हम लेटर लेते हैं उसको डिनोट करते हैं और उसके सापेक्ष में उसका अनुपात निकालते हैं तो वही अनुपात कहलाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए वन बाय वन करके हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को जानते हैं, और जानते ही नहीं है उसे आजीवन याद रखने का ट्रिक भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है और कैसे हम ये इसे आजीवन याद रख सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि इस एक समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं होती है उसका अनुपात निकालेंगे, और उन्हीं अनुपातों को एक विशेष नाम दिया गया है जिनके बारे में हम लोग अभी सीखेंगे। तो इससे पहले सीखते हैं हम लोग कि एक त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री जब हो जाता है तो शेष जो दो कोण बचते हैं, ये और ये दोनों न्यून कोण होंगे। तो समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार कौन कौन होता है, कैसे उसको हम लोग पहचान करते हैं? किसी भी समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का कोण है उसका सामने वाला जो भुजा होगा वह कर्ण होगा हमेशा, और इसका आधार और लंब हमेशा बदलता है, और यह बदलता है थीटा के उस न्यून के कोण का अनुरूप जिसका हम लोग अवलोकन करने जा रहे हैं, जिसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, चाहे जिसके सापेक्ष में हम अनुपात निकाल रहे हैं उसके अनुसार बदलता रहता है। जैसे अगर हम थीटा लेते हैं, थीटा ये ले लिए तो ये इसके सामने वाला जो भुजा होगा वह लंब होगा, और जो शेष जो बच गया वह आधार होगा। मतलब अगर हम थीटा इसको लेते तो यह हो जाता लंब, और जो बच जाता ये हो जाता आधार। देख लीजिए, थीटा बदलने से इसका लंब आधार बदलता है, मगर कर्ण फिक्स है। कर्ण कौन होगा? तो 90 डिग्री के सामने वाला। तो आप कहिएगा सर ये थीटा क्या है? तो थीटा यह एक डिनोशन है, संकेत है कोण को रिप्रेजेंट करने का, कोण का प्रतिनिधित्व करने का एक संकेत है मात्र। थीटा भी होता है, फाई भी होता है, अल्फा भी होता है, बीटा भी होता है, गामा भी होता है, साई भी होता है, ये सब कोण को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। इसको कहते हैं थीटा, इसको कहते हैं फाई, इसको कहते हैं अल्फा,
बीटा गामा साई, ये सभी घबराने का नहीं है इसे, ये सब सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए है, हम कौन सी नहीं लिख के थीटा लिख रहे हैं, बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है उसमें। अब देखिए इसका हम लोग अनुपात निकालने जा रहे हैं, तो अनुपात निकालते हैं सबसे पहला लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण देखिए इसको कहते हैं साइन थीटा, साइन थीटा, और इसका हम संकेत में लिखेंगे पी बटा एच। दूसरा अनुपात क्या निकलेगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण को कहते हैं कॉस थीटा और संकेत में कहते हैं बी बटा एच। तीसरा है लंब बटे आधार, इसको कहते हैं पी बटा बी। और चौथा है देखिए तीन याद कर लेते हैं तो ठीक इसका अपोजिट हो जाता है, जैसे ये देखिए पी बटा बी था, ठीक इसका उल्टा ले लिए तो क्या हो गया बी बटे पी, इसको कहते हैं कॉट थीटा। देखिए कॉस का था बी बटा एच, तो इसका हम लोग अपोजिट ले लिए, इसका इनवर्स ले लिए तो हो गया क्या एच बटा बी। इसका देखिए साइन थीटा था पी बटे एच, तो इसका अपोजिट ले लिए हम लोग तो क्या हो गया कॉसेक थीटा, तो इसका बन गया क्या एच बटे पी। क्या टेन का ठीक इनवर्स होता है कॉट, कॉस का इनवर्स होता है सेक, और साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, सब एक दूसरे का इनवर्स होता है। ये अगर हम ये तीन अनुपात याद रखते हैं तो ये तीनों अनुपात भी हमें याद रहेगा। चलिए इससे पहले हम देख लेते हैं कि इसको पढ़ते क्या है, बहुत विद्यार्थियों को ये समस्या होती है कि इसका उच्चारण कैसे करें, तो सिंपल है इसको पढ़ते हैं साइन साइन थीटा, इसको पढ़ते हैं कॉस थीटा, इसको पढ़ते हैं टैन थीटा, इसको पढ़ते हैं कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इसका उच्चारण है। अब बात करते हैं अगर हम तीन को याद कर ले तो ये तीनों हमें याद रहेगा, इसका अपोजिट है इसलिए। तो इसको याद करने का एक ट्रिक बनाया गया कि अगर ये पी बटा एच, तीनों को लिखे देखिए यहां पे पी बटा एच, बी बटा एच और पी बटे बी, ये क्या है चलिए इसको शॉर्ट में बनाकर याद करने के लिए, पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोल सोना चांदी तोल। देखिए पंडित माने पी, बी बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद पी माने प्रसाद, हर माने हर हर बोल, तो हर का मतलब एच, फिर हर एच, अब बोल बी का, बोल का क्या हो गया बी, सोना सोना एच से सोना, सी से चांदी और टी से तोल, सोना चांदी तोल। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं, ये साइन थीटा का हो गया, ये कॉस थीटा का हो गया और ये टेन थीटा का हो गया। अगर हम साइन, अब देखिए अब उल्टा करना भी तो बहुत सिंपल है, साइन का ठीक अपोजिट मतलब साइन का ठीक इनवर्स क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉस का ठीक इनवर्स क्या होता है सेक थीटा, टेन थीटा का इनवर्स क्या होता है तो कॉट थीटा। इस तरह से हम लोग इसका इनवर्स भी याद कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अध्ययन करते हैं यह त्रिकोणमितीय अनुपात, हम लोग छह निकाले हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, इसका क्या आपस में कोई कनेक्शन है, क्या इसका आपस में कोई संबंध है, तो उन्हीं संबंधों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे तो संबंध बहुत सारे होते हैं परंतु अगर टेंथ में हम तीन या चार संबंधों को देख लें तो वे सारे क्वेश्चन हम लोग इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहला संबंध है व्युत्क्रम संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशन। ये क्या होता है देखिए, सबसे पहला रिलेशन जैसा कि आप पढ़े हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, अर्थात देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन, ये याद करना हम लोगों को, साइन थीटा इंटू इंटू यानी कि गुना कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन, ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला। इसको सिद्ध करके देखेंगे क्या ये सही है, तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे देखिए, एलएचएस इसका क्या है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा का मान होता है पी बटे एच और कॉसेक थीटा का मान होता है एच बटे पी, बटा पर का गुना करेंगे देखिए एच से एच कट गया पी से पी कट गया तो कितना आ गया वन, यही है आरएचएस। तो यह हम सिद्ध कर लिए कि नहीं यह जो फॉर्मूला है बिल्कुल सही है, हम यहां पे देख भी लिए।
अब इसी फॉर्मूला से हम कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या होगा, देखिए साइन थीटा को इधर रहने देते हैं, आई कॉस थीटा इधर गुना होता जाए तो क्या होगा, भाग होगा एक बटा कॉस थीटा, तो यह निकल गया साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉस थीटा। अगर हम कॉसेक को रहने देते साइन को ले आते तो क्या बनता, तो बनता क्या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू जाता भाग इन गुना हो जाएगा तो भाग, तो वन बटा साइन थीटा। इस प्रकार से तीन फॉर्मूला याद कर लिया हम लोग, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू वन बटा कॉसेक थीटा, और तीसरा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन बटा साइन थीटा, जो इसी फॉर्मूला से बना है। ठीक है, तो यहां पे आप इसको नोट कर सकते हैं एक जगह। दूसरा फॉर्मूला है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू वन, इसका भी उसी तरह से प्रूव कर सकते हैं हम लोग। एलएचएस में क्या है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल है, कॉस थीटा वाला क्या होता है बी बटे एच, और सेक थीटा वाला होता है एच बटे बी, तो बी से बी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, आ गया वन, तो यह हो गया हमारा आरएचएस, तो यह भी प्रूव हो गया, तो यह भी फॉर्मूला हम लोग सत्यापित कर लिए। और इसी से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे ऐसे, कॉस का अपोजिट वन बटा सेक थीटा, और सेक का अपोजिट वन बटा कॉस थीटा। इस प्रकार से हम लोग यहां भी तीन फॉर्मूला याद कर लिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू वन, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉस थीटा, ये भी हो गया हम लोगों का। तीसरा अनुपात क्या होगा, तीसरा संबंध टैन थीटा का, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन, इसको आप स्वयं प्रूव कर लीजिएगा उसका मान रखे। अब इसका अगर हम टैन को रहने दे कॉट को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉट थीटा, अगर कॉट को इधर रहने देते हैं और टैन को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू वन बटा टैन थीटा। इस तरह से हम लोग नौ फॉर्मूला आसानी से याद कर लिए, बस याद रखना है तीन, ये और ये और ये, इसे हम लोग नौ फॉर्मूला याद रखेंगे, तो हो गया। अब बात आती है इसके दूसरे संबंध पे, दूसरा संबंध है वर्ग संबंध। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर संबंध पे, जिसका नाम है वर्ग संबंध, स्क्वायर रिलेशन। इसको जानने से पहले पाइथागोरस महादेव को याद करना पड़ेगा, उनके उनका जो दिया गया प्रमेय है उनको रिमाइंड करते हैं। क्या है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वह लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, इसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिन्हें हम सत्यापित कर चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका संबंध देखते हैं। सबसे पहला संबंध है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, स्क्वायर फॉर्मूला क्यों कहा गया इसको। देखिए इसमें भी साइन का स्क्वायर है, देखिए एक चीज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, साइन थीटा का जो होल स्क्वायर लिखते हैं ना हम लोग, उसी को इसको ना लिखने का तरीका क्या है, इसमें लिखता है साइन स्क्वायर थीटा, लिखते यही है पढ़ते यही है बस समझते ये है, बस इतना ध्यान रखिएगा इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत बच्चे ये समझ लेते हैं कि साइन थीटा का जो स्क्वायर होता है वह साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता, नहीं, ये दोनों चीज एक ही है, परंतु आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ऐसा ही लिखा जाता है इसमें, ये हमारा कन्वेंशन है, ये हमारा पद्धति है कि ये जो फॉर्मूला है पहला संबंध, पहला वर्ग संबंध
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, क्या यह सही में होता है? क्या इसे हम सिद्ध कर सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल, इन्हें हम सिद्ध कर सकते हैं। कैसे? देखिए इसका एलएचएस क्या है, इसका एलएचएस है बराबर के जो लेफ्ट साइड में है क्या है, तो यह साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको हम अभी बताए हैं कैसे लिख सकते हैं, अभी बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब कि साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा का मान याद करते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है, तो पी बटे एच, तो इसको लिखेंगे पी बटे एच का होल स्क्वायर। और कॉस थीटा को लिखते हैं बी बटे एच, तो इसको लिखते हैं बी बटे एच का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करते हैं, पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर, ये एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, ऊपर क्या जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अभी अभी हम लोग पढ़े हैं क्या कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस प्रमेय में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर। और एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया तो क्या आ गया वन, और यही है हमारा आर एच एस। इस प्रकार से हम लोग सिद्ध कर लिए कि हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। अब चलिए इसको हम लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू वन, ये पहला फॉर्मूला हमारा हो गया। क्या इससे और फॉर्मूला निकल सकता है? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं तो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस हो जाएगा माइनस, साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर इसका हम स्क्वायर हटा देंगे तो क्या होगा, उधर रूट लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा एक नया फॉर्मूला, साइन थीटा इजिकल टू रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, निकल गया। अभी तो हम उधर कॉस को ले गए हैं तो बना है, अगर हम साइन को ले जाते तो क्या बनता, तो ऐसा बनता। देखिए कॉस इधर रह जाता, कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर इसका स्क्वायर हटाते हुए क्या लगाते हैं रूट, तो इससे क्या बन जाता कॉस थीटा इजकल टू रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे एक ही फॉर्मूला से दो तीन चार पाँच पांच फॉर्मूला हम लोग याद रख सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम याद करें तो काफ़ी सुविधा होगी। ये सारे के सारे एक इंडिविजुअल फॉर्मूला के रूप में काम आते हैं, समझिए ये बिल्कुल स्वतंत्र फॉर्मूला के रूप में उपयोग आएगा। ये सारे फॉर्मूला इतने आवश्यक हैं जिसके बिना त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बनाना असंभव ही समझिए उसको, कि असंभव ही है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा संबंध है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। इसमें क्या होता है, इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, इसका एलएचएस लेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। अब क्या करते हैं इसमें मान रखते हैं सेक थीटा का मान कितना होता है, तो एच बाई बी इसका होल स्क्वायर, टेन थीटा का मान पी बटा बी इसका होल स्क्वायर, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा बी स्क्वायर, ये होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए तो एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर होगा, इसका पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर होगा, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर,
और हम लोग देखिए अभी पाइथागोरस पर पढ़े हैं कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं ना कि भाई बी स्क्वायर क्या होगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ये भी निकाल सकते थे। और ये भी निकाल सकते थे कि क्या एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ये तीनों निकल सकता है इसी से। देखिए तीसरा फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो इसको हम लोग क्या करेंगे अगर हम इसको उधर ले जाते तो क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर हटा देंगे तो क्या बन जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वेरी सिंपल। अगर हम कॉट को उधर ले जाएंगे और वन को उधर ले आएंगे तो क्या बनेगा तो बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और इसका स्क्वायर हटा देंगे तो क्या बनेगा कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। इस प्रकार से हम लोग इसका फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, याद कर ही नहीं सकते हैं याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखें क्या कि मात्र तीन फॉर्मूला, पहला अनुपात, अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने के लिए क्या करे थे साइन थीटा बराबर पी वटेज कॉस थीटा बराबर बी वटेज टैन थीटा बराबर पी वटे बी, इनको याद कर लेते हैं तो उसका अपोजिट याद हो जाता है, क्या याद हो जाता है तो कॉट थीटा इज अरे तो याद रहता है कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बटा पी, ये याद हो गया तो वो छह याद हो गया। दूसरा में हम लोग पढ़े हैं क्या, दूसरा हम लोग पढ़े हैं व्युत्क्रम संबंध रेसिप्रोकल रिलेशन, तो इसमें क्या पढ़े हैं तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन, तो दूसरा नंबर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू वन, तीसरा तीसरा टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन, तो इसे तीन को हम याद कर लेते हैं तो उसका तीन चाहे नौ याद हो जाता है। इधर भी हम लोग तीन फॉर्मूला याद करना है मात्र, क्या चीज पहला तो तीसरा नंबर संबंध है वर्ग संबंध यानी स्क्वायर रिलेशन, तो इसमें भी हम लोग तीन चीज देखे हैं, क्या क्या चीज देखे हैं तो पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, और तीसरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तीन फॉर्मूला इसमें याद कर लें, तीन तिहाई नौ याद कर लेते हैं तो बाकी सब खुद ब खुद याद हो जाता है, उसी का थोड़ा मोड़ा रिलेशन है बस इधर से उधर करना है ना, मतलब कहने का मतलब इधर से उधर करने का तात्पर्य यह हुआ कि बस इधर से स्क्वायर का रूट लगाइए, इधर प्लस है तो उधर माइनस है, इधर गुना था तो उधर भाग गए, बस इतना ही दिमाग लगाते हैं तो ये सारे फॉर्मूला हम लोगों को आजीवन याद रह सकता है।